लिए लोअर फुल टॉस हल्के हाथ से कवर पर ट्राई किया, थोड़ी सी मिसलीड बी बैक से कवर बाउंड्री की तरफ जाती हुई गेंद ने चुना गया है। दूसरे रन की कोशिश की यहां पर बल्लेबाजों ने और इस प्रयास में सफलता मिली है। दो रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है। तीन रन के विकेट के नुकसान पर पहली गेंद देखिए निशानी गेंद थी अलेक्सेंडर काकीबार का, बल्लेबाज ने पहले ही मार लिया था तो गेंद हो गई है। अलेक्सेंडर काकीबार को मैं लेफ्ट किया यहां पर एक तकनीक कर दिया था। दूसरी गेंद को लोअर फुल टॉस बनाकर दो रन पर बढ़ गए। अच्छा है इस विकेट के फिर से लोअर फुल टॉस गेंद हल्के हाथ से क्लिक किया यहाँ पर शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर मौजूद कोई रन नहीं मिलेगा। यहाँ पर डॉट बॉल के साथ वापसी की है गेंदबाज सागर ने, सागर जो कि सी एन से गेंदबाजी करते हुए दोनों ही एंड से गेंदबाजी और बल्लेबाजी होगी तो एक तरफ तो क्लब एंड है और दूसरी तरफ सी एंड और तीसरी गेंद पर बड़ा प्रहार छह रनों के लिए इस छक्के के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ और जा पहुंचा है नौ रन का किसी विकेट के नुकसान पर। और वही ये पहली ओवर में दृश्य नजर आता हुआ हमें बिल्कुल देव ठाकुर ने सही कहा था कि अब इस वक्त छह बैट्समैन के साथ वो मैदान में उतरे और पांच ऑलराउंडर्स लेके उतरे हैं तो कहीं ना कहीं टीम पांच साइड नजर आती थी मुझे देव ठाकुर की जिस तरह से हर्षित ने पहली शुरुआत की तीन गेंदें खेली है। इन तीन गेंदों में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि बैटिंग स्ट्रेंथ टीम काफी मजबूत है। अगली गेंद इस बार बुलेट डिलीवरी थी टारगेट स्ट्रोक मिड विकेट चोर पर जाती हुई है गेंद एक रन जरूर मिलेगा यहाँ पर एक रन के माध्यम से इस वक्त लवेश ने खाता खोला। पहली गेंद सामना किया था लवेश ने फ्लिक किया था और पहली गेंद पर एक रन एक रन लेने में कामयाब हुए और पहली ओवर की समाप्ति होती हुई पहली ओवर की समाप्ति को छोड़ जा पहुंचा है 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक षटक के अंदर धावकों का बढ़ावा की संख्या बढ़ गया है 18 रन बिना किसी विकेट के वन ओवर 11 रन और स्कोर कार्ड विदाउट एनी लॉस। स्पॉन्सर्स हैं इसके जेएसके 247 बुक जिन्होंने इस इवेंट को बहुत बड़ा सहयोग दिया है। हम शुक्रगुजार हैं टाइटल स्पॉन्सर जेएसके 247 बुक के जिन्होंने अपनी जो कि इस इवेंट को स्पॉन्सर करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ऐसे इवेंट्स तभी कामयाब होते हैं जब बड़े बड़े स्पॉन्सर्स निकलकर सामने आते हैं और उन्हीं की स्पॉन्सरशिप से ये इवेंट खूबसूरती के मकाम पर पहुंचते हैं और बुलंदियों के मकाम पर पहुंचते हैं। तो मैं दिल्ली के रहने से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जेएसके 247 बुक के ओनर्स का जिन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। गेंदबाजी मार्ग पर आने वाला नया गेंदबाज अभी क्लबमेट से गेंदबाजी करते हुए इस बार सामना करेंगे लवेश। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और बाजुओं में इतनी ताकत मुझे नजर आती हुई कि हर गेंद को सीमा पार फेंकने का प्रयास कर सकते हैं। ये बता पहली गेंद अटकी हुई गेंद इनसाइड आउट जाकर पूरी किया
इस बीच एक के बाद एक प्लेयर्स का मैदान में आना जाना शुरू। बहुत ही अच्छी गेंद बैकफुट पर जाकर हल्के यहां से लॉन्च किया। इस बार राउंड का मौका बन सकता था लेकिन पेस कर रहा है रनिंग विकेट लेने के लिए। यहां पर हमने को देखते हमें देखने को मिली दोनों बल्लेबाजों के माध्यम से एक रन तेजी से किस चलाया दोनों बल्लेबाजों ने के माध्यम से स्कोर क्या पहुंचा है 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ये काबिले तारीफ देखिए 8 ओवरों का मैच है यानी 48 डिलीवरीज आपके पास है खेलने के लिए। और एक अगर गेम को सेट करके खेला जाए माइंड को सेट करके खेला जाए कि पहले 4 ओवरों में सिंगल डबल में कन्वर्ट किया जाए और बाकी 4 ओवर में 100 ओवर जब शुरू होंगे तो उसका प्रहार किया जाए तो ये अच्छी माइंड मेंटेलिटी यहाँ पर हमें नजर आती हुई। बहुत जबरदस्त गेंद इस बार अगला पॉइंट डाली थी फुल लेंथ डिलीवरी पर उसे टकराई ये गेंद लेग ऊपर की अपील जरूर की थी अंपायर ने सभी को नकारा कोई रन नहीं यहाँ पर। दर्शाता हुआ स्कोर कार्ड बहुत ही अच्छी गेंद हल्के हाथ से डिफेंस किया यहां पर लेकिन एक रन तेजी के साथ पूरा किया। एक रन के माध्यम से स्कोर धीमी गति से आगे जाता हुआ 14 रन। रायगढ़ से बिलोंग करता हुआ उस्मान पटेल लेकिन इस वक्त हमारे सेलिब्रिटी लीग एएमपीएल में हनीफ पटेल अंपायर की भूमिका निभाते हुए दो ओवर की पर दो छक्के अंतर धाव पर क्या हुआ धावों की संख्या डाली आगे 22 रन दिल्ली बॉस। अब आगे आया अगला गेंदबाज गेंदबाजी मारकर मुझी 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 के कांधों पर जिम्मेदारी सौंपी है कप्तान के। गेंदबाजी मार्ग पर मुझे कप्तान अमित ने भरोसा किया है इस बार अच्छी गेंद लेकिन थोड़ा सा निशानी के चलते सुबह सुबह मिसल पाओगे जिस तरह से उसल पर मिसल पड़ती है उसी तरह इस गेंद पर छक्का पड़ा है और गेंद बाउंड्री के बाहर वो भी कैंटीन के करीब ही यही लगता नाश्ता करके आएगी ये गेंद भी बड़ा छक्का यहाँ पर दर्शाता हुआ हर्षित तावल्ला लाविश ने मारा था भैया इस खूबसूरत से इवेंट के टाइटल स्पॉन्सर्स हैं JSK 247 बुक। मैं इस कंपनी का सभी विद्यार्थियों से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतने बड़े इवेंट पर स्पॉन्सरशिप की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और इस टाइटल को स्पॉन्सर किया है। बार बार चीजें बैकफुट पर जाकर हल्के हाथ से कर कट किया बल्लेबाज लाविश ने। हेलो अरे ऊन बघ कसं कमी जास्त होते बघ तसं कमी झालं ना साऊंड आली तर ते ब्राईटनेस वाढव आणि जास्त ऊन आलं का ब्राईटनेस कमी कर म्हणजे ते लक्ष ठेव। हा हा नाहीतर मग ते काळोख दिसेल तू एकच ठेवलं ना तर ते फक्त लक्ष ठेव रिंग वर माहिती आहे ना छोटे रिंग। हा हा चालेल चल क्या आप नजरों के सामने थे तो मेरी नजरें आपका ही दीदार कर रही थी लेकिन मैं चाह रहा था उस नजारे का दीदार हो जाए।
की हुई है गेंद आगे आकर खेलने का प्रयास, गेंद और बल्ले के दरमियान संपर्क नहीं, गेंद बल्ले से दूर। ओवर की समाप्ति पर जो प्रोटेक्शन थी कंपनी की, बड़ा रिप्लाई इस बार, हवाई फायर, क्या गेंद पकड़ पाएंगे फील्डर, गेंद के नीचे, ओ माय गॉड, क्या यहां पर मिस होता हुआ। और हर्षित को मौका देना यानी अभी मौत को दावत देने के बराबर है। एक लाइफ लाइन मिली है, अब्दुल बानी जो मेरे साथ मौजूद और मेरे सहयोगी बाद आज हमारे साथ थोड़े थोड़े वक्त में जुड़ते रहेंगे। बाहर जाना होगा रहे और बाहर बाय बाय। और शुरुआत अच्छी की, वो कैसे लगे खिलाड़ी अटक रहे, आवाज अटक रहा है, आगे आगे देखिए खुद का देखा है, अभी की गेंद पर अभी अभी आए हैं। तो पहली गेंद को सम्मान दिया, डिफेंस किया और इज्जत बख्शी इस गेंद को, स्कोर वही रुका हुआ 38 रन। अगली गेंद अभी की समाप्ति हुई, चार ओवरों की समाप्ति पर स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 39 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। देखिए क्या महत्वपूर्ण ओवर रहा, मैं सभी टीम से गुजारिश करूंगा कि हमारी भारत सरकार 48 रन हो, इस बार मौका था विकेट कीपर के पास लेकिन ओवर थ्रो के चलते एक रन प्राप्त कर लिया। इसे कहते हैं नजरें हटी और दुर्घटना घटी, एक रन का खमियाजा बीसीसी को जरूर यहां पर लगा होगा। ओवर की समाप्ति हुई है, बहुत ही अच्छा ओवर रहा ये, मुझे के दृष्टिकोण से काफी कम रन कंजूसी भरा ओवर मैं कहूंगा ये। और ओवर की समाप्ति शुरुआत की 3 ओवर की अगर बात करते हैं तो 12 रन का रिक्वायरमेंट चल रहा था और वही जैसे ही 2 विकेट हर्षित और लगेश की गिरी है, रनों की गति पर जिस तरह से लगाम लगाने में कामयाब हुए हैं बीसीसी के गेंदबाज, ये काबिले तारीफ। 5 ओवर की समाप्ति, 5 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 49 रन यानी 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी यहां पर चलती हुई। आने वाला अगला गेंदबाज है सागर, बहुत ही अच्छी गेंद, साइड आउट आकर इसे खेला है, पार्ट स्लिप करने का प्रयास किया था, गेंद पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं, बाहरी किनारे लगा बल्ले का और गेंद जाती हुई शॉट फाइन लेग पर क्रिकेटर वहां पर मौजूद, मात्र 1 रन। मुजीब ने इस गेंद को आसानी के साथ अटैक किया, पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में गेंद को कलेक्ट कर लिया था और मात्र 1 रन, 1 रन के माध्यम से स्कोर जा पहुंचा है 50 रन। तालियां बजनी चाहिए देव साहब आपके खेमे में, आपकी टीम ने पूरे 50 रन कर लिए इस वक्त स्कोर कार्ड पर। 1 रन और अतिरिक्त खाते में जुड़ता हुआ 51 रन दर्शाता हुआ स्कोर कार्ड। 5वां ओवर समाप्त होता हुआ 5.1 ओवर का खेल अब तक जारी। अगली गेंद सागर की, क्लब से गेंदबाजी करते हुए ओवर द विकेट आगे आया, ओह माय गॉड, रॉकेट लॉन्चर शॉट सीमा रेखा के बाहर, बिग छक्का, बॉल की रिप्लेसमेंट तो बनानी पड़ेगी भैया और नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दीजिए सर, रॉकेट निकला है कहीं क्रैश हो रहा है आसमान में, क्या शॉट था ये, वाह, मैक्सिमम स्ट्रोक टक्कर का उपयोग यहाँ पर।
अच्छी गेंद इस बार, एक रन जरूर यहां पर मिलता हुआ, एक रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ 58 रन। ओ बॉल उठाने लगा अपनी यहां पर लेग फुट विकेट की, एक रन जरूर यहां पर केस करार तेजी से रन मुकम्मल किया है बल्लेबाजों ने, एक रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ 59 रन, एक रन कम 60 रनों के लिए। अच्छी बल्लेबाजी यहां पर शुरुआत होती हुई, आगे आकर खेला इस बार कर होगा सारा लेकर पॉइंट पर कट कर दिया है, और उतनी खूबसूरत फील्डिंग करने के माध्यम से दो रन लेकिन तेजी के साथ मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। बेहतरीन फील्डिंग कप्तान अमित की, बेहतरीन तरीके से पॉइंट कवर बाउंड्री पर डी पर खड़े हैं और गेंद को पहले अटेम्प्ट में कलेक्ट किया लेकिन दोनों तेजी के साथ मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने, दोनों के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ 61 रन। और एक बड़ा 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 हिट है, ये गेंद निकल गई है सन्नाटे को चीरती हुई सीमा रेखा के बाहर, शटर 67 रन, बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी, बाजुओं की ताकत फोर आर्म्स का पूरा इस्तेमाल और गेंद बाउंड्री के बाहर शटर। वॉलंटियर्स जहां कहीं हो गेंद का ख्याल रखें और अपनी अपनी पोजीशन पर रहें, और गेंद जैसे ही बाउंड्री के बाहर जाती है प्लीज मैदान में उसे फेंक दें। ओवर की समाप्ति पर स्कोर क्या पहुंचा है 67 रन 67 रन। अब आने वाला अगला गेंदबाज गेंदबाजी मार्ग पर एक छोटे कद का तेज कर रहा गेंदबाज अपनी अगली 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 गेंदबाजी मार्ग पर पकड़े लेट से गेंदबाजी करते हुए आगे आकर बिल्कुल सीधे खेला है गेंदबाज के सर के ऊपर से ये गेंद लॉन्ग ऑफ से निकल जाती हुई, एक रन की कोशिश कामयाब रही दूसरे रन का प्रयास नाकाम। अगर एक के बल्लेबाज ने फॉल को नाकार दिया था यकीन है कि रन लेने का प्रयास करते खतरा बोल लेते अपनी टीम के लिए अधिक विकेट का पतन होते होते हो सकता था, लेकिन बल्लेबाज यहाँ पर सूझबूझ और समझदारी का प्रदर्शन किया दोनों बल्लेबाजों ने, अपने आप पर रोक लगाई एक रन जरूर प्राप्त किया यहाँ पर बल्लेबाजों ने। अगली गेंद अभी की उठाया इस बार हवा में गेंद फॉलो थ्रो में अभी गेंदबाज और ये दोनों जवानी की मस्ती में चूर, न तेरा कसूर न मेरा कसूर, न तूने सिग्नल दिया न मैंने सिग्नल दिया, एक्सीडेंट हो गया है पर बाप ये क्या चीज छूटी है भैया, ये मैच कहीं ना छूट जाए यहाँ पर। हर एक कैच अनिवार्य है भैया, मैंडेटरी है कैच पकड़ना मैच को जीतने के लिए, क्या पता अगली गेंद में क्या हो जाए। देखिए देखिए ये है कैच छोड़ने का नतीजा, ये है आओ देखते हैं ना ताओ गेंदबाज को याद दिला दे रहे फिर आ जाते कहा आओ ऐसे मौके हो गए तो खमियाजा आपकी पूरी टीम भुगतेगी, ये कैच होता तो 6 रन स्कोर कार्ड पर चढ़े नहीं होते, ये होता है कैच पकड़ना भैया, गेंदबाज का मनोबल बढ़ता है इसका। सर प्रणोद सर सर छक्का मार रहा है गुस्सा याद मार रहे हैं दबा दिया सर आपने बच्चे की जान ले लिया भाई।
हमने अभी बीपी की गोली खाया है मैंने। चलिए थोड़ा सा मजाक होता रहेगा, हमारा काम ही है आप लोगों को एंटरटेन करना, क्योंकि क्रिकेट को सीरियस कॉमेडी तो बहुत लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा खुश भी खुश मिजाजी के साथ किया जाए तो देखने वालों को भी मजा आता है और खेलने वालों को भी मजा आता है। क्या बात है सर, क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल सही कहा, और ये अलग ही है क्योंकि ये आर्टिस्ट मैनेजमेंट प्रीमियर लीग। नेक्स्ट बॉल सर, देखिए यहाँ पर ढेर सारे आ चुके हैं और एक खुश मिजाज चेहरा, हंसमुख चेहरा, हमेशा आप बिल्कुल खुश ही होते हैं, इनके चेहरे में मुस्कान आपको जरूर मिलेगी। तो एक वाइड का इशारा यहाँ पर अंपायर का और एक वाइड के चलते स्कोर घटा हुआ 77 दो विकेटों के नुकसान पर। आपकी प्रिडिक्शन जो थी कि 100 रन 8 ओवर में करने हैं, मुझे लगता है कि दोनों बल्लेबाज अगर हद तक नाबाद रहे तो वो यकीन अचीव कर लेंगे। उठा कर खेला इस बार कप्तान के करीब मिड विकेट जोन पर वन बाउंस और क्या बोल जाती हुई है गेंद। एक रन यहां पर मिलेगा जरूर, एक रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ 78। देखिए मैंने अभी कहा उससे यहाँ कोई पाकिस्तानी नहीं है तो खामोश हो गया, होगी समझदार है। क्या बात है यार, अच्छी गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर पुल करने का प्रयास था बल्ले की, बॉटम मेज लगकर अगले विकेट जोन पर जाती हुई है। ओवर की समाप्ति हुई है, ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 79 रन सर 79 रन दो विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हैं APL सीजन 2 जिसके टाइटल स्पॉन्सर है JSK247 को, और बहुत बहुत शुक्रगुजार हो गए इन कंपनी साथ में जिन्होंने आगे आकर इस बहुत बड़े इवेंट को टाइटल स्पॉन्सर दिए है और इस इवेंट को आपने स्पॉन्सर किया है। गेंदबाजी मार्ग पर अब आने वाला अगला गेंदबाज मुझी जय और अभी समझदारी के साथ बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए करते हुए अटकी हुई है गेंद, कर दिया ए फुल सक्सेसफुल वंडरफुल पावरफुल ब्यूटीफुल 6 रनों के लिए। क्या बात है, मैक्सिमम स्कोर 6 रन आता हुआ। बहुत बड़ा स्कोर यहां पर 6 रनों के लिए। ये है क्रिकेट, दूसरे रन की बॉल है यहाँ पर, दो रन पड़े हैं, ये देखना होगा क्या ये लीगल रन है, अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा इस रन पर। यहाँ लीगल है बिल्कुल, दौड़ कर दो रन पूरे किए, ओ माय गॉड, आंखों ही आंखों में इशारा होना और बैठे बैठे दो रन का सहारा होना, दो रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ 88। और वाइट का इशारा प्लस वन यानी 89 रन। जाती हुई
नब्बे के लिए एक मिनट कम। इस वक्त राहुल यहां से गुजरते हुए रेड चिली के एक खतरनाक ऑलराउंडर, पिछली बार रेड चिली को जिताने में इनका योगदान नहीं, हाथ पैर सब कुछ इन्हीं का था। रेड चिली जो कि सेमीफाइनल था, फाइनल तक पहुंची थी, रनर अप रही थी, तो राहुल का बहुत बड़ा योगदान। चिली सत्य भारतीय जाने ठीक रन पाई के एवज में ऑल मिलता हुआ और वाइड का इशारा, तो दो रन यहाँ पर ऑल मिलते होते हुए। लेकिन एंड मोमेंट है और ऐसे मोमेंट पर ऐसे गलतियों की गुंजाइश नहीं। अच्छा गेंद और अच्छा शॉट, बिल्कुल लॉन्ग ऑफ पर वन बाउंस गेंद, क्रिकेट के हाथों में जाती हुई गेंद मात्र एक रन देकर जाएगी। थोड़ा सा पावर कम नजर आया है यहाँ पर, अगर एक 10 ग्राम पावर ज्यादा होता है ये वन बाउंस मारने के बाद नजर आती। एक रन के बाद से स्कोर बढ़ता हुआ 92 रन, अभी भी तीन गेंद शेष है। दो विकेटों के नुकसान पर क्या बल्लेबाजी की है यहाँ पर, दो विकेट गिरी थी 37 पर, उसके बाद बड़ी पार्टनरशिप फुल किया है और गेंद सीमा रेखा के बाहर। और निम्या मेरन, क्या बात है, देव सागर की प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित होती हुई। 8 ओवर में 100 का टारगेट सोचा था और 99 इस वक्त स्कोर कार्ड पर, और अभी भी एक गेंद शेष, यानी अगर इस गेंद पर we'll be right back.
हेलो 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 चेक 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 वन टू चेक वन टू हेलो आ रही है हेलो माइक चेक तो यहाँ पर दोनों ही अंपायर हैं सब विकेटों की तरफ ध्यान दे रहे हैं और एक बहुत ही बड़ा एक बहुत बड़ा सवाल होता है यहाँ पर पहला मैच धमाकेदार यहाँ पर दोनों टीमों के बीच में 101 रन का बहुत ही मुश्किल सा एक सवाल होता है यहाँ पर डीसी चैंपियन और मार्चिंग एंजल्स के बीच में खेला गया यह मैच जिसमें मार्चिंग एंजल्स ने पहले बल्लेबाजी करके एक तो एक रन का एक मुश्किल सा सवाल पूछा है यहाँ पर टीसीएस चैंपियन को देखा होगा लगभग 12.5 के रन से ये इस टारगेट को अचीव करना होगा यहाँ पर टीसीएस चैंपियन को एक इजी चैंपियन लगभग और उसका डिपेंड करते हुए यहाँ पर मार्चिंग एंजल्स काफी अच्छी सुनहरी फील्ड यहाँ पर पावर प्ले के साथ पहले ओवर की शुरुआत और आप देख रहे हैं आर्टिस्ट मैनेजमेंट प्रीमियर लीग टाइटल स्पॉन्सर JSA247 बुक आत्मा म्यूजिक NJ Dance Company Hijack The Movie Restaurant Kalka Soto Future Financial Planning Partner Okay Red Cherry Edges So have you experienced previous editions of AMPL? If you have any shared experience So iske baad khele jane wala match Red Cherry Legends versus RT खिलाड़ी और समझा एक सम्मानजनक तरीके से खेला उसे कवर रीजन में और इस एक रन के साथ यहाँ पर अपना खाता खोला मार्चिंग एंजल्स ने
और यहाँ पर नए बल्लेबाज आए हैं जो रिप्लेस करेंगे मुदीप को अनुज। तो देवेंद्र ने काफी अच्छा एक लचारी भी गेंद की थी और उसका पूरा फायदा उठाएगा। अच्छा जबरदस्त पावरफुल शॉट जरूर खेला था लेकिन थोड़ा सा दो ग्राम कम रह गए और काफी अच्छी फील्डिंग होगा वहां पर। डी स्क्वायर लेके फील्डर द्वारा कोई गलती नहीं की, मनोबल बड़ा हुआ और उसी को कैरी करते हुए यहाँ पर मार्चिंग एंजल्स अगली गेंद। तो ये दर्शाता हुआ यहाँ पर पूरी एफर्ट पूरे एनर्जी के साथ यहाँ पर मार्चिंग एंजल्स की टीम ने थामा बोला है। कोई मौका नहीं दे रहे यहाँ पर, कोई भी हल्का सा एरर नहीं देना चाहते, मैच को पकड़े रखना चाहते हैं। अब है अगली गेंद स्ट्राइक पर है। इस बार काफी अच्छा कैच शॉट किया है लेकिन वहां पर काफी चतुराई से एक फील्डर तैयार करके रखा है टी पॉइंट में और इस बार कोई गलती नहीं, गलती की कोई गुंजाइश नहीं की। वहां पर एक रन से ज्यादा लेने का कोई मौका नहीं। इस एक रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर काफी अच्छी लंबी दूरी केस बाजी करते हुए यहाँ पर देवेंद्र और उनकी समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक एक बड़ा विकेट जरूर खोया है लेकिन उसके बाद देखना होगा क्या करते हैं अगली गेंद। विजेंद्र मिश्रा अगली गेंद काफी खूबसूरती से कट कर दिया उसे लेकर देखा हुआ फील्डर उसे गेंद के पीछे और आसानी से उसे रोक लिया है और ये 2 रन से ज्यादा लेने का कोई मौका नहीं। अगली गेंद काफी जबरदस्त गेंद कोई मौका नहीं वहां पर फुल एक फास्ट एंड फ्यूरियस गेंद सीधा विकेट विकेट कीपर के स्थानों में और एक डॉट बॉल में 9 गेंदों के साथ स्कोर दबा हुआ 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी पेस चल रही फास्ट एंड फ्यूरियस गेंद थी वो और उसे काफी अच्छे से विकेटों के पीछे काफी जो रेस्ट ऑफ द बॉल था वो विकेट कीपर ने पूरा किया। अगली गेंद एक डॉट बॉल काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ ब्रिटिश अपनी टीम के लिए बाजे रखा है बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दे रहे कोई पिक ऑफर नहीं कर रहे कोई लूजनर नहीं वहां पर काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद इस बार काफी अच्छा खूबसूरत क्रिकेट का एक बेहतरीन सा शॉट क्या दे पाएंगे लेकिन काफी अच्छी खूबसूरती से फील्डिंग वहां पर एक रन पूरा किया देखा होगा यहाँ पर एक
चैलेंज और उस चैलेंज से हारे अभिषेक और अंपायर का इशारा आउट और यहां पर दूसरी विकेट जाते हुए काफी खूबसूरती से वहां पर फील किया चैन ने और एक डेंजर एंड में जानते थे उनके लिए काफी मुश्किल होगी पहुंच पाना और एक बेहतरीन सटीक सा थ्रो और उसे कवर किया गेंदबाज ने और इसे कहते हैं एंड इज वेल तो ऑल इज वेल। उस तरह से यहां पर एक बड़ा विकेट हासिल किया, दूसरी विकेट यहां पर हासिल की और स्कोर थमा हुआ यहाँ पर इस एक रन के साथ 9 रनों पर 2 विकेटों के नुकसान पर। तो जो भी नेट में खेल रहे हैं उन लोगों से गुजारिश है कि नेट में प्रैक्टिस ना करें। अब आए हैं नए बल्लेबाज देखते हैं क्या जान इस मैच में चार डाल पाते हैं। अभी कुछ काफी उम्मीदें होंगी उनके साथ अगले के अनुज को जो लाइफलाइन मिली थी वो अनुज को मिली थी। अब आए हैं जान खान लेफ्ट हैंड बाएं हाथ के बल्लेबाज देखना होगा एक अच्छी पारी की जरूरत यहां पर डीसीईसी चैंपियंस को इस मैच को जीतने के लिए या आगे का सफर तय करने के लिए अपने आप को मनोबल में लाना होगा आगे के लिए एटलीस्ट इतना स्कोर तो अचीव करना ही होगा कि वो आगे के लिए तैयार हो सके। हालांकि पहले मैच में ऐसा ज्यादातर अमूमन देखा जाता है कि पहले मैचेस में ज्यादातर लोग इतना अच्छा नहीं खेल पाते हैं, उन्हें थोड़ा सा वक्त लगता है। उसकी मिसाल है हमारे आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही निराशाजनक परफॉर्मेंस था यहाँ पर मुंबई इंडियंस का, लेकिन मुंबई इंडियंस ने हमेशा सिखाया है कि तरह डाउन से अप आना। तो यहाँ पर मौका है, इसके बाद भी मैचेस खेले जाने हैं तो डीसीईसी चैंपियंस के पास मौका है, लेकिन इस बार थोड़ा सा अब मैच में मार्चिंग करते हुए मार्चिंग एंजल अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद फुल लेंथ की गेंद सीधा गेंद के ठिकाने पे और सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में बहुत ही बेहतरीन गेंद। यहां पर ओवर की समाप्ति की है एक डॉट बॉल ने 9 गेंदों के साथ स्कोर दबा हुआ 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और जैसे कि मैं आपको बताता चलूं पार का इशारा मैंडेटरी पावर प्ले अगला ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज अभी पवेलियन से गेंदबाजी करेंगे यहां पर बल्लेबाज अनुज के लिए। लॉन्ग स्ट्राइक पर है जान राइट आर्म एक मीडियम सा रनअप लेकर एक अच्छे खासे मनोबल के साथ यहां गेंदबाजी करते हुए मार्चिंग एंजल्स ने मैच में अपनी पकड़ मजबूत बनाकर रखी है। देखना होगा यहां पर डीसीईसी चैंपियंस को चैंपियंस पारी खेलनी होगी। बहुत ही अच्छा करारा शॉट सीधा लॉन्ग ऑफ के जाने में, लेकिन वहां पर काफी खूबसूरती से फील्डिंग की फील्डर ने 2 रन की कोई भी वहां पर चांस नहीं, 1 रन से यहां पर संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ टीम का पड़ता हुआ रन स्कोर हो चुका है 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। काफी अच्छी थैंक यू कासिम। सर दोस्तों यहां पर हमारे साथ उपस्थित है केयूस रक्षक के कप्तान और अदर
तो आर्टिस्ट रूट टाइटल्स यहाँ पर उपस्थित है, दोनों के कप्तान यहाँ पर उपस्थित और इनकी मौजूदगी में होगा ये टॉस। इससे पहले कि टॉस हो मैं केयूर सर से कुछ बातचीत करना चाहूंगा। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इस इवेंट की कामयाबी के लिए कि सीजन टू आपने अरेंज किया है, काफी मेहनत करती है, काफी जद्दोजहद करती है सर किसी इवेंट को कामयाब बनाने के लिए, और आपके साथ आपकी पूरी टीम इस कामयाबी की मुस्तैक है, उनकी मुबारकबाद है उन सबको। सर जानना चाहूंगा कि इस इवेंट को रखने के पीछे का सबसे बड़ा उद्देश्य, सबसे बड़ा मकसद क्या है? बिजनेस सब लोग बाहर चले गए थे तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए था सबको साथ मिला था। तब मुझे दिमाग में आया कि एक काम करते हैं, इंडिया में क्रिकेट एक अलग फीवर है, एक अलग रिलीजन है, तो मैंने सोचा कि क्यों हम क्रिकेट किया जाए, और उस क्रिकेट से मैंने सबको एक साथ जोड़ा और शायद ये दूसरी सीजन सिर्फ हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कारण ही ये हो पाए। तो शायद मैं एक ही मकसद है कि सबको एक साथ लेके आऊँ और इसी की सबके बिजनेस का कुछ और बताना चाहूँगा आपको किस तरह से मुझे पता चला था कि इस इवेंट को रखने के पीछे का सबसे बड़ा मकसद ये है कि ऊपर ने बताया था कि आज आप देखते होंगे किसी बॉलीवुड स्टार के ऑफिस डिपार्टमेंट में मेकअप मैन हो, असिस्टेंट मेकअप मैन हो, या लाइट को फोकस करने वाला ये एक लेबर क्यों ना हो, सारे ही लोगों को एक तरह का सम्मान दिया जाए, सबको एक तरह की रिस्पेक्ट दी जाए और ऐसे इवेंट में लाकर उनके अंदर की कला को, उनके अंदर जो एक्टिविटीज है उसको बाहर निकाल कर लोगों के सामने लाने का मौका दिया जाए। तो सर बहुत बड़ा जो इतना बड़ा इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया है और लोगों को मौका दिया कि प्लेटफॉर्म पर आना, सर एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि पिछले सीजन की आपकी टीम रनर अप रही थी, ये सीजन में ट्रॉफी उठाने का इरादा है या क्या है? आपने खुद ही जवाब दे दिया है कि पिछले सीजन मगर मगर में है तो इस बार विनर ही होंगे हम लोग। और धन्यवाद सर बात करने के लिए। चलते हैं टॉस की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद मैं इनसे सवाल जवाब करूंगा कि इनकी रणनीति क्या है इस मैच को लेकर, इनके विचार क्या है, इनके ख्याल क्या है इस इवेंट को लेकर। पहले करते हैं टॉस, सोया भी को आर्टिस्ट रूट आइटम चेरीज की कॉल और AMDL यस केवल सर देंगे कौन रेपचेरी इज द कॉल एंड इट इज AMDL। सो आर्टिस्ट रूट टाइटंस हैज वॉन द टॉस एंड इज इलेक्टेड टू। सर पहला मैच आपने देखा अभी अभी हुआ आपके सामने, 8 ओवर्स का मैच था, फर्स्ट बैटिंग करने वाले ने 100 रन प्लस किए हैं, यहाँ पर 101 रन का टारगेट दिया है, इसको देखते हुए क्या माइंडसेट देखा, गेंदबाजी करना लगता है आपका, आप रोक पाएंगे रेड चेरीज को? ओके ओके सर, आपकी टीम अभी मैं पहली बार आपको देख रहा हूँ, मुझे पता नहीं आपकी टीम की स्ट्रेंथ क्या है, आपसे ही जानना चाहेंगे कि आपका ज्यादा फोकस जो आपकी स्ट्रेंथ है टीम की जो जान है वो गेंदबाजी है या बल्लेबाजी है? वेरी मच सर हमसे बात करने के लिए। सर एक आखिरी सवाल, इस इवेंट के बारे में दो शब्द आपसे कहना चाहेंगे, कैसा देखते हैं हम इस इवेंट को अपनी नजरों से? गिव अ बिग सर यहाँ पर केयूर सर है, सर अगर आप टॉस जीते आपका फैसला क्या होता? रन हो चुके हैं
17 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर बैक टू बैक 4 डॉट बॉल के बाद एक सिंगल यहाँ पर अली, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए। अगली गेंद, इस बार थोड़ी सी खराब गेंद थी लेकिन उसका पूरा फायदा नहीं उठाया, बैक आउटर एज लेती हुई गेंद और काफी अच्छा एफर्ट वहां पर फाइन लेग खिलाड़ी द्वारा, लेकिन अंपायर का इशारा लेग बाई, अंपायर का इशारा लेग बाई स्वरूप एक रन। काफी अच्छी एफर्ट वहां पर, काफी अच्छी फील्डिंग की थी, काफी अच्छा, इतनी अच्छी एक्शन से गेंदबाजी करते हुए अभी मानो ऐसा लग रहा है रविचंद्रन अश्विन गेंदबाजी कर रहे हो उस तरह से, काफी अच्छा राइट आर्म ऑफ स्पिनर की एक अच्छी भूमिका निभाते हुए यहाँ पर कोई एरर नहीं, कोई मौका नहीं दे रहे बड़े शॉट लगाने का। अगली गेंद, फिर से गेंद है, पुल शॉट देखा होगा उसके नीचे आसान सा कैच और एक बड़ी विकेट यहाँ पर हासिल की अली ने, एक लचाई गेंद की थी और एक उसका पूरा फायदा उठाना था, थोड़ा सा पावर थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा पावर कम हो गया, हालांकि डीप स्क्वायर लेग के फील्डर को आगे आना पड़ा उसे कैच करने के लिए, एलिवेशन ज्यादा मिला, डिस्टेंस की कमी, आत्मविश्वास की कमी थी उस शॉट में और एक बड़ा छक्का लगता हुआ यहाँ पर ईसीईसी चैंपियंस को और मार्चिंग एंजल्स मार्चिंग करते हुए थोड़ा आगे से फ्रंट पे है और मैच में अपनी पकड़ बनाकर रखे हैं ड्राइविंग सीट पर। AMPL आर्टिस्ट मैनेजमेंट प्रीमियर लीग रेड चेरीज के तरफ से जो मैनेज की गई है इसके हमारे जो टाइटल स्पॉन्सर्स है JSK 247 को स्कोर हो चुका है सर 4 ओवर 18 रन 4 विकेटों के नुकसान पर आफ्टर 4 ओवर 18 रन विद द लॉस ऑफ 4 विकेट। अब आए हैं काफी तेज तर्रारे गेंदबाज, काफी बड़ा रन अप यहां पर पवेलियन से राइट आर्म। अगली गेंद बहुत ही अच्छा सीधी तेज तर्रारी गेंद जाकर टकराई बैट से और कोई रन लेने का मौका नहीं वहां पर, इस एक रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या, कोई रन नहीं, एक रन, नाव चेंडू रुका हुआ स्कोर 18 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। काफी अच्छा ड्राइविंग सीट पर यहां पर मार्चिंग एंजल्स ने मैच में पकड़ अपनी बना के रखी है, थोड़ा सा मनोबल गिरा हुआ यहां पर DCEC चैंपियंस, लेकिन अभी भी मौका है। अगली गेंद फिर से काफी अच्छा तेज एक सीधा शॉट खेला है लेकिन वहां पर थोड़ा सा फंबल किया लॉन्ग आर्म के फील्डर ने और यहां पर आंखों में कहते हैं थोड़ा सा एक रनआउट का चांस था, थ्रो बराबर कलेक्ट नहीं हो पाया और यहां पर कहते हैं कि आंखों में इशारा हो गया और मिसफील्ड के चलते 2 रन का सहारा हो गया और इस 2 रन के साथ स्कोर कार्ड में हल्की सी एक अपडेट देती हुई 20 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। जड़ों में डाली हुई गेंद थी और उसे खोद के निकाला था लेकिन खोद के निकालने के बाद भी इस बार लेकिन थोड़ी सिकल सिंह कर बैठे फील्डर ने ओवर थ्रो के स्वरूप में एक रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 21 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। काफी अच्छा ये रन लिखा हुआ था DCEC चैंपियंस के नसीब में ये रन लिखा हुआ था इसलिए उन्हें मिला एक मिसफील्ड एक ओवर थ्रो के चलते। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर अमित अपने टीम के लिए, काफी अच्छा एक लंबा सटीक रन अगली गेंद काफी अच्छा हाई आर्म एक्शन क्लीन एक्शन के साथ गेंदबाजी करते हुए अमित एक भरपूर एक तेज गेंदबाज की एक याद दिलाते हुए अच्छी सी गेंदबाजी। अगली गेंद फिर से इस बार थोड़ा सा ऑफ साइड पे गेंद रखा था और उसे कट एक इनर एज लेती हुई सीधा थर्ड मैन रीजन में फील्डर ने उसे फील्ड किया, कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं, काफी अच्छी फील्ड के हिसाब से गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर अमित और यहाँ पर लगभग जो कि है मार्चिंग एंजल्स कोई मौका नहीं दे रहे, कोई एरर नहीं मैच में कि DCEC चैंपियंस ने इसे वापसी करना, लेकिन यहाँ पर वापसी करनी होगी। इस बार फिर से बहुत ही बैटिंग फील्डिंग फुल टॉस में थी गेंद थी लेकिन इस
बार वो गति नहीं थी, जो गति चाहते थे बल्लेबाज वो गति में कटौती की, एक स्लोअर गेंद की गेंद थी वो, उसमें थोड़ा सा चूक गया था, थोड़ी गेंद तर्रारी होती है, जल्दी भी गेंद जरूर थी लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग, एक रन से ज्यादा लेने का कोई मौका नहीं, एक रन की बढ़ान बढ़ती हुई रन संख्या 22 में 4 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद इस बार क्या मौका है, नहीं लेकिन इस बार भी मौका था थोड़ा, लेकिन कलेक्ट नहीं कर पाए, एक जादू एक मैजिकल थ्रो करना चाहते थे गेंदबाज लेकिन इसमें चूके और एक रन लेने से नहीं रोक पाए, इस एक रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब आने वाली 3 ओवर 18 गेंदों में लगभग जीत के लिए 78 रनों की जरूरत। जी यहां पर 5 ओवर में 23 रन हो चुके हैं, 4 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदों पर 78 रनों की जरूरत है, 26 के रन रेट मतलब हर ओवर में एक 4 सिक्सर की जरूरत। अब आए हैं अली, बहुत ही अच्छा पुल शॉट खेला लेकिन वो गति नहीं दे रहे हैं यहां पर, जब तक कि फील्डर फील्ड करते दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन आसानी से पूरे किए, एक रन से ज्यादा लेने का कोई मौका नहीं, इस एक रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 24 रन। बहुत ही जबरदस्त ऐसा लग रहा है जैसे मानो मार्चिंग एंजल्स एक ऑस्ट्रेलिया की तरह क्रिकेट खेल रही है, जब 90s में ऑस्ट्रेलिया खेला करती थी उसी तरह की। बहुत ही अच्छा रिवर्स देखा, रिवर्स ढूंढ के निकाला लेकिन रिवर्स ढूंढने के बाद भी एक फील्डर को ढूंढ लिया वहां पर, जो कहते हैं ना कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है, लेकिन यहां उंगली टेढ़ी करने के बाद भी एक रन से ज्यादा लेने का कोई मौका नहीं हुआ, इस एक रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 25 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद काफी अच्छा पुल वहां पर फील्डर मौजूद लेकिन वन बाउंस देके जाएगी चौका, काफी अरसे बाद यहां पर डीसीईसी चैंपियंस का एक चौका आता हुआ, एक मनोबल में थोड़ी सी बढ़ोतरी जरूर होगी यहां पर, अब अपने प्लेसमेंट चेक करने होंगे बल्लेबाज को, जीत तो बहुत दूर है तो यहां पर अपनी एक अपने आप को वापसी करानी होगी, अगले मैच के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। अगली गेंद फिर से एक तेज तर्रारा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन इस बार पैट से टकराई, कोई रन नहीं, डॉट बॉल, स्कोर थमा हुआ 29 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। फिर से इस बार ललचाई हुई गेंद, बहुत ही अच्छा एयर दिया था, एक साहसी गेंद लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और थोड़ा सा विकेट कीपर भी समझ नहीं पाए उस गेंद की वेरिएशन को, और वहां पर विकेट कीपर खुद सारे जितने भी विकेट के पीछे थे, विकेट के आगे विकेट के पीछे सभी बीट हुए और एक रन बाई के स्वरूप में 30 रन, लेग बाई के तौर पर एक रन के साथ 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद काफी अच्छा कवर ड्राइव खेला वहां पर लेकिन फील्डर तैनात, एक रन से ज्यादा लेने का कोई मौका नहीं, देखना होगा यहां पर थ्रो भी काफी अच्छा लेकिन थोड़ा सा फंबल वहां पर थ्रो में, लेकिन दूसरे के लिए कोई गुंजाइश नहीं चाह रहे यहां पर डीसीईसी चैंपियंस, चाहते हैं बल्लेबाजी करें। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 31 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अब यहां से अपना बल्ला चेक करेंगे डीसीईसी चैंपियंस, क्योंकि स्कोर 12 गेंदों में 70 रन, लगभग 12 सिक्सर की जरूरत यहां पर, 12 गेंदों में 12 सिक्सर अगर लगाती है तो यह मैच डीसीईसी चैंपियंस जीत सकती है, लेकिन देखना होगा यहां पर। अब अपना लोहा चेक करें, अपना लोहा चेक कराएं किसी भी टीम के लिए, अब इससे ज्यादा और कुछ करने की आवश्यकता लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, यह क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, हमने देखा था युवराज सिंह जैसे बल्लेबाज को। अगली गेंद बहुत ही जबरदस्त, एक जबरदस्त सा एक शॉट खेला लॉन्ग ऑफ में लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद तैनात, एक रन से ज्यादा लेने का कोई मौका नहीं, इस एक रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 32 रनों पर 4 विकेटों के नुकसान पर। काफी अच्छी यहां पर इस बार, अब तो ऐसा लग रहा है कि मिडल ऑफ द बैट गेंद को ले रहे हैं डीसीईसी चैंपियंस के बल्लेबाज।
इस बार थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी, अंपायर का इशारा वाइड, एक एक्स्ट्रा रन अतिरिक्त रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 33 रन विद द लॉस ऑफ 4 विकेट। तो थोड़ी सी एक पहला थोड़ा सा इनडिसिप्लिन गेंद देखी गई यहां पर मार्चिंग एंजल्स की तरफ से। अगली गेंद
काफी अच्छी गेंदबाजी, लेंथ गेंद थी लेकिन तेज तर्रारी गेंद थी, याद दिलाया एक लेफ्ट आर्म जो जबरदस्त गेंदबाज होते हैं उस तरह की एकदम लीगल डिलीवरी बेहतरीन, जो गेंद धप्पा खाकर सीम लेकर सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में, बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर लाभ मारा। अब आए हैं एक जटिल से बल्लेबाज, मुझे लगता है शायद थोड़ा सा लेट हो गए अनंत। शॉट ऑफ लेंथ के गेंद थी, काफी अच्छा खूबसूरती से खेला वहां पर, लेकिन वहां पर बेहतर रहना, एक रन से ज्यादा लेने का कोई मौका नहीं। काफी अच्छा एक कॉन्फिडेंस भरा शॉट था, जिसे क्रिकेट का एक खूबसूरत शॉट कहा जाता है। ऑन द राइज उछाल लेंगे, उछाल लेंगी विकेट, खूबसूरती सुंदरता से एक बिना ऑफ द बैट करके, लेकिन अफसोस वहां पर फील्डर लगा शायद थोड़ी सी गैप में होती उस नुकसान पर। इस बार थोड़ी सी दिशा ही दूसरी गेंद देखी जो थोड़ी सी खराब लगी मुझे, बाकी काफी अच्छी मैच में पकड़ बना के रखी। अगली गेंद बहुत ही अच्छा शॉट, एक तरह का देखना होगा यहाँ पर, काफी अच्छा कॉल लास्ट स्ट्राइक का और उस कॉल को पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने, काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही, और इस दो रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 47 रन विद द लॉस ऑफ 6 विकेट। और यहाँ पर कांग्रेचुलेशंस टू वाली मैचेस